अब रोबोट घरों में पहुंचा रहे हैं दूध और राशन, और इनका नाम है कैमिलो। सिंगापुर में रोबोट लोगों के घरों में दूध और राशन पहुंचा रहे हैं। इन रोबोट को अभी 1 साल के लिए टेस्ट किया जा रहा है, जो टेस्ट 700 घरों में रोबोट ये डिलीवरी करेंगे। रोबोट से सबसे पहले तस्वीक हैदर ने डिलीवरी ली है, और इन रोबोटों का डिलीवरी का प्रोसेस सेम जोमेटो और स्विगी की तरह है, और ये रोबोट 20 किलो तक का सामान डिलीवरी कर सकते हैं एक बार में, और ये रोबोट मंडे टू फ्राइडे पर डे 4 से 5 डिलीवरी करते हैं, और सैटरडे इनका हाफ डे रहता है। एक इंटरव्यू में तस्फीक ने बताया है कि इससे डिलीवरी लेने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ेदार है, और इस डिलीवरी प्रोसेस को हमेशा के लिए रखना चाहिए।